ब्रेन के ट्यूमर्स के बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ, स्पेशली ऑर्बिटोफ्रंटल ट्यूमर्स। क्या होता है कि ब्रेन में भेजे में गठान तैयार होती है और वो गठान देती है मानसिक सिम्टम्स, लगता है कि मानसिक बीमारी। तो क्या है उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो ऑर्बिटोफ्रंटल ट्यूमर्स जो है, मतलब भेजे के सामने वाले हिस्से में गठान तैयार होना, ट्यूमर तैयार होना, तो ये हो सकता है कि काफ़ी महीने या साल, दो साल एकदम साइलेंट रहते, मतलब बाहर कुछ दिखाई देता नहीं, कोई लक्षण दिखाई देते नहीं, और फिर अचानक एकदम कुछ तो भी उनका मानसिक लक्षण में दिखता है कि भाई कुछ तो मानसिक लक्षण आ गए, या फिर वर्तणुक, इसका जो बर्ताव है उसमें कुछ तो भी फर्क आ रहा है ऐसा दिखता है, और फिर उसमें से मालूम पड़ता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है क्या। मगर वो मानसिक होने से वो जाते हैं मनोरुग्ण तज्ञ के पास में, और फिर वो ट्रीटमेंट हो सकता है कि डायग्नोज नहीं आया तो मानसिक बीमारी की दे सकते हैं। एक्चुअली ये देखना चाहिए कि इनको लक्षण कौन से हैं स्पेशली, क्योंकि कुछ कुछ लक्षण एकदम खास ही रहते हैं। हो सकता है कि उनको फ्रंटल लोब जो ट्यूमर्स है, मतलब ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में, हो सकता है कि उनको भावना जो है वो बहुत लेबाइल रहती है, मतलब इमोशनल लेबिलिटी है, या फिर उनको विचारों की बीमारी रहती है, डेल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस, भ्रम दिखते हैं, भ्रम होते हैं, मैनिया हो सकता है, उन्माद, हर्षवायु, या डिप्रेशन, निराशा, उदासीनता हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। कभी ऐसा होता है कि काफ़ी साल वैसे ही चले गए, और आपको बताना चाहूँगा मैं कि 90% पेशेंट्स में जिनको फ्रंटल ट्यूमर है, 90% पेशेंट में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाई देंगे। हो सकता है कि फिर एक सीजर आ जाएगा, फिट आ जाएंगी, और फिट आके फिर उस समय फिर डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा कि अरे ये तो डायग्नोसिस ट्यूमर का है, ये साइकेट्रिक डायग्नोसिस है नहीं। स्पेशली ऑर्बिटोफ्रंटल, म्हणजे सामने वाले हिस्से में जो ट्यूमर होते हैं, तो इसमें चिड़चिड़ापन होना, पर्सनैलिटी चेंज, बहुत ही चिकट पर्सनैलिटी हो जाती है, स्टिकी पर्सनैलिटी बोलते हैं, फिर सोशल इनहिबिशंस, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसा होना चाहिए वैसा बिहेवियर नहीं, कुछ तो भी अकस्मात ऐसा कुछ बिहेवियर करेंगे जो समाज में प्रचलित नहीं है या अच्छा दिखता नहीं है लोगों में, तो वो कुछ तो भी बिहेव करेंगे। सेक्सुअल इनहिबिशन, सेक्सुअली असॉल्ट करेंगे, सेक्सुअली कोई लेडी को हाथ लगा देंगे, कोई महिला को हाथ लगा देंगे, है ना, किसको कुछ पकड़ लेंगे ऐसा, कि विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड कल्चरली, ऐसा कुछ तो भी सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर या सेक्सुअल इनहिबिशंस दिखेंगे, या फिर बच्चों के ऊपर कोई सेक्स का अटेम्प्ट करेंगे, पीडोफिलिया, तो ऐसा कुछ तो भी दिखाई देता है बर्ताव में मानसिक रूप से कि कुछ तो भी गड़बड़ है, उनकी याददाश्त कमजोर रहती है, भुलक्कड़पना आता है, है ना, और ख्याल में रहता नहीं है, स्पेशली थॉट डिसऑर्डर, हेल्यूसिनेशन भी आ सकते हैं, डिल्यूजन भी आ सकते हैं। तो ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के ट्यूमर्स है, वहाँ की गठान है, और वो गठान से उसको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अपने पास में ऐसा कोई व्यक्ति आता है या अपने घर में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको ऐसे मानसिक लक्षण हैं और पहली बार ज़्यादा उम्र के बाद में दिखाई देते हैं और बहुत दिन से ऐसा कुछ तो भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा है, तो ज़रूर उसका सीटी स्कैन या MRI ब्रेन करना चाहिए, जिसके वजह से ये प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकता है। डायग्नोसिस हो गया तो न्यूरोसर्जन अपना काम करेगा, यदि MRI क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर तुम उसका इलाज साइकियाट्री करके कर ही सकते हैं। तो ये ज़रूर देखना चाहिए, लोगों ने समझना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली ये लोगों ने चिड़चिड़ापन, भुलक्कड़पना, सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये लक्षण दिखाई देते तो लगता है कुछ तो भी प्रॉब्लम है, और इसका तो इन्वेस्टिगेशन करना ही जरूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।